नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम कुमार। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक उसे जरूर करें, मेरे वीडियो को अंत जरूर देखें ताकि मेरे स्टडी को मेरे हेडिक को अच्छी तरह से समझ पाए। थोड़ा वीडियो को पॉज करके देखिए, यहाँ ब्लैक टू प्ले क्या होगा, व्हाइट टू प्ले क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट के पास 3 पॉन है, ब्लैक के पास 2 पॉन है। तो क्या यहाँ पे दोस्तों व्हाइट जीत जाएगा, क्या यहाँ पे ब्लैक हार जाएगा? थोड़ा वीडियो को पॉज करके सोचिए। देखिए हम यहाँ पर C4 चले तो वो किंग C5 करके रोका, तो उसको हम सपोर्ट किया B3 करके किंग से, फिर वो D4 किया ताकि वो अपना पॉन को सपोर्ट कर सके और मेरा नाइट को भगा सके। तो हम C5 करके उसको प्रेशर कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो यहाँ नाइट से मेरा पॉन को रोकने का कोशिश किया, नाइट E6 करके, तो फिर हम यहाँ पे C6 कर दिए दोस्तों। तो फिर यहाँ पे वो किंग E3 किया ताकि मेरा पॉन हटे, मैं नाइट हटे। तो फिर हम नाइट H1 चले गए अपना नाइट को बचाने के लिए, तो F2 किया वो पॉन से। तो फिर हम यहाँ पे क्या किए दोस्तों, नाइट से उसका पॉन को मार दिए और अपना नाइट को सेक्रीफाइस कर दिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब वो नाइट मेरे से अप हो गया है, उसके पास नाइट और एक पॉन है और मेरे पास 3 पॉन है। तो क्या यहाँ पर हम जीत सकते हैं? देखिए तो यहाँ पर किंग C4 गया वो, तो यहाँ पे हम कहाँ गए दोस्तों, किंग F3 चले गए ताकि उसका पॉन पे अटैक करे, तो हम वो समझ गया था। तो हम किंग को D5 करके उसका नाइट को भगा रहे हैं, तो वो कहाँ भागा, नाइट C7। तो हम यहाँ पे फिर उसको भगाए D6 करके, तो फिर वो नाइट B5 करके उसको मेरे को फिर से चेक मारा। तो फिर हम नाइट C5 करके उसको भगाए, तो वो कहाँ भाग गया, नाइट A7, ठीक है। तो फिर हम अपना एक पॉन को आगे बढ़ाएं कि दूसरा पॉन को प्रेशर दें, तो यहाँ पे नाइट C8 आ गया ताकि मेरे को रोक पाए। तो फिर हम यहाँ पे D5 करके अपना सपोर्ट कर रहे हैं और उसका नाइट को भगाने के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा एक पॉन को और मार दिया G4 का, ताकि इसलिए मार दिया हम इसलिए दे दिए कि ताकि हम अपना पॉन को आगे बढ़ा सके और उस और हम किंग को बढ़ा सके। किंग E6 किए, तो यहाँ पर वो अपना किंग को इम्प्रूव किया G5 करके, ताकि हम उसका पॉन को नहीं मार पाए और अपना पॉन को बढ़ा पाए H5। तो यहाँ पे हम प्रेशर देने के लिए C7 कर दिए, तब यहाँ पे H5 करके पॉन आगे बढ़ा रहा। तो हम यहाँ पे क्या किए दोस्तों, किंग D7 कर दिए ताकि उसका नाइट भाग पाए। लेकिन अब दोस्तों बात प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गया है कि किंग नाइट B6 आया, तो हम उसको भगा रहे किंग C6 करके, तो यहाँ पे C8 कर दे रहे। तो यही प्रॉब्लम है दोस्तों, इस तरह से गेम ड्रॉ हो गया दोस्तों, और यहाँ पे यही मूव चलता रहेगा। देखिए किंग D7,